हमारा न्यू चैप्टर है फैक्टराइजेशंस। इन प्रीवियस क्लासेस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रा क्या था अपने पास में? अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट। एक कॉन्स्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन जो था वो अपना कहलाता था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो हमारे वेरिएबल्स क्या हुआ करते थे कि जो अल्फाबेट थे अपने पास, दैट इज ए टू जेड, जिनको हम लोग अननोन नंबर बोलते हैं, ये सारे कॉन्स्टेंट यानी इंटीजर्स वैल्यू, जिसको न्यूमेरिकल वैल्यू बोल सकते हैं, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कहलाता है अपना एल्जेब्रा। और इन दोनों से मिलकर बनने वाला बनेगा अपना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैंने लिखा, मान लिया 2x+3 4x² + x + 3। यहां लिखा मैंने x/2, या फिर लिख दिया मैंने 6x³। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के एग्जाम्पल्स है। यहां हमने एक चीज देखी, देखो इसके पास 6x³ कम से कम एक अर्थमेटिक ऑपरेशन 100% होता है। यानी जब कभी भी हम लोग एल्जेब्रा की बात करते हैं तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि इसके पास कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस नहीं है। अब बात करते हैं अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है? जैसे ऐड करना, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। यानी कोई भी अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें गिवन है तो इन चारों में से कोई ना कोई कंडीशन 100% होगी। अब आप ये कहोगे कि सर आपने केवल अगर मुझे y लिख कर दे दिया, अकेला y, और आप कहते हो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस कहाँ लगे? तो देखो हम जनरली क्या रीड करते हैं कि इससे पहले कुछ भी गिवन नहीं है, इट मीन्स हम लोग 100% वन मानते हैं। यानी y जो है वो लिखा जा सकता है 1y की फॉर्म में। वन और वाई के बीच कोई सिंबल नहीं है अर्थमेटिक, तो वो कहलाएगा मल्टीप्लाई का साइन, है ना? तो 1 × y इट गिव्स वाई। सेम एज x/2, इट मींस x इज डिवाइडेड बाय 2। 6x³, 6 × x³ यानी x मल्टीप्लाई बाय x, यानी x हमारे पास टोटल कितनी टाइम है? 3 टाइम्स है। सिमिलरली अदर एक्सप्रेशंस भी गिवन है। ठीक है, हम यहां बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जस्ट बाद में टर्म्स की। किस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स गिवन है? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सिंगल टर्म, सिंगल टर्म, सिंगल टर्म यानी वन टर्म। इसमें हमने एक ऑपरेशन और ऐड कर दिया पॉजिटिव का। यानी जहां कहीं टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच, टू एल्जेब्रा के बीच अगर हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव साइन मिल जाता है तो वो बन जाते हैं टर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना, मोर देन वन टर्म्स बनाने के। तो वन और टू दोनों डिफरेंट टाइप्स की है, तो टू टर्म्स, 1, 2 एंड 3, इट मीन्स 3 टर्म्स। यहां लिखा हमने टर्म्स के बारे में। टर्म्स क्या बताई मैंने आपको? क्या प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इज नोन एज टर्म्स। कैसे होती है? देखो इस टर्म्स के बेस पर ही बात करते हैं कि टर्म्स अपने फैक्टर की प्रोडक्ट कैसे हो सकता है। मान लीजिए जो एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं मैंने, मैं उन्हीं के बारे में बात करूं आपसे कि 2x+3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2x+3 को लेके चलें, तो देखो हमने लिखा 2x+3, ये एक थी टर्म। ठीक है, क्या थी अपनी? एक ये टर्म थी, और इस टर्म को मैंने किस में कन्वर्ट करना है? फैक्टर्स में।
किसमें बदलना है, फैक्टर्स में। अब बात करते हैं फैक्टर्स के रिगार्डिंग। जैसे मान लिया छोटी क्लास में हमने ये पढ़ा था, जैसे मान लिया लिखा मैंने 10, तो 10 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है और 10 की टेबल में आता है। इट मींस 1, 2, 5 और 10 जो थे वो 10 के क्या कहलाए थे, फैक्टर्स, यानी जिससे डिवाइड हो सकता है। मान लिया मैं अगर 12 की बात करूं तो 1 की टेबल में आता है, 2 में आ रहा है, 3, 4, 6 एंड 12, ये इसके फैक्टर्स बन गए। ठीक है, अगर मैं आपको ये कहूं कि बेटा मुझे वो फैक्टर्स बताओ जो 10 में और 12 में कॉमन है, यानी दोनों का कॉमन फैक्टर निकालना है, मैं क्या करना है, दोनों का कॉमन फैक्टर। तो आप कहोगे देखो सर 1 दोनों में आ रहा है, 2 ऐसा नंबर है जो भी दोनों के पास रिपीट हो रहा है, इट मींस 1 एंड 2 आर कॉमन फैक्टर, 1 एंड 2 आर कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, जैसे मान लिया मैंने ये लिखा आपके लिए 15, तो 15 के आप क्या कहोगे, 3, 1, 5 और 15। ठीक है, मान लिया मैं लिख लेता हूं आपके लिए यहां पर 16, तो लिखा 2, 1, 4, 8 एंड 16। इस कंडीशन में इस 1 के अलावा हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो 1 तो होगा ही होगा, 1 तो होगा ही होगा, 100% श्योर है। ठीक है, यहां मैंने दोनों कंपेयर किसको किया, 10 और 12 को, इसमें मुझे 1 तो मिलना ही था, 1 के अलावा कौन मिला, 2 मिला। इसमें देखा मुझे 1 तो मिला, उसके अलावा और कुछ दिखा क्या, नहीं दिखा, तो मैंने कॉमन फैक्टर क्या निकाल दिया, इसका 1 निकाल दिया, कॉमन फैक्टर क्या निकाला मैंने, 1 निकाला। सिमिलरली बात करते हैं अगर मैं 2x plus 3 की बात करूं, तो पहले इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करें इसके कि किस किस से मिलकर बना हुआ है। तो चले बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2x के बारे में बात करूं तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय x और ये प्लस 3 का फैक्टर, तो 3 होता है, 3 के टुकड़े होते ही नहीं है। इट मींस ये 2x यानी 2 मल्टीप्लाई बाय x और 3 दोनों किसके है, फैक्टर्स है। यानी हमने क्या किया कि फैक्टरिंग निकालने के लिए क्या किया, हमने फैक्टरिंग करने के लिए क्या किया कि फैक्टरिंग इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाई, यानी फैक्टराइजेशन जो था वो रियलिटी में क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है, यानी उल्टा प्रोसेस करते हैं मल्टीप्लाई का रिवर्स, यानी मल्टीप्लाई करने में हमने उसको कंबाइन कर दिया आपस में, एक सिंगल डिजिट बना दी, और जब फैक्टर्स करेंगे तो उसको तोड़ तोड़ के अलग टुकड़ों में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास मेन टॉपिक की बात करें तो ये तो था इसका जनरल बेस, फैक्टर्स क्या थे, कैसे बनते हैं। हमारा फर्स्ट मेथड, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन का फर्स्ट मेथड कॉमन फैक्टर, फर्स्ट मेथड इज कॉमन फैक्टर। मेथड्स उसमें फर्स्ट मिलता है कॉमन फैक्टर्स, यानी हम लोग क्या निकालेंगे, इसके कॉमन फैक्टर निकालेंगे जो सबके पास होंगे, जो सबके पास होंगे। जैसे मान लिया मैंने लिखा आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन 2y और 22xy। पहले सिंपल से मेथड सीखते हैं, फिर जब सीख जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा आसानी से काम कैसे हो सकता है अपना। फर्स्ट लिखा देखो मैंने 2y, यहाँ साइन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिया है, इट मींस हम लोग नॉर्मली कॉमन फैक्टर ही निकालेंगे, तो लिखा मैंने 2y, तो 2y को क्या लिख जा सकता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय y, बात क्लियर है अपनी, है ना। नेक्स्ट लिखते हैं देखो 22x और y, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 22 के फैक्टर्स निकालें, तो 22, 1 को तो लिखना नहीं है देखो एक बार के लिए,
क्योंकि हमें पता है वन तो सबका फैक्टर होता है। 22 की टेबल में आ सकता है, 11 की टेबल में आ सकता है, तो 11 टू जा 22 हो गया, ठीक है। फिर x का x रहेगा अपना और y का y रहेगा, क्योंकि हमने क्या कहा था, फैक्टराइजेशन यानी फैक्टरिंग एक ऐसा मेथड था जिस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन नंबर है या गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसको टुकड़ों में तोड़ देते हैं, यानी रिवर्स मल्टीप्लाइंग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, रिवर्स मल्टीप्लाइंग करते हैं, ठीक है। चलो ये दो स्टेप्स है अपने पास, 2y एंड 22xy। मैंने कहा इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकालो, तो कॉमन मतलब जो दोनों के पास होना चाहिए। देखो इन जनरल बात करें तो अगर हमने पहले SCF निकालना सीखा हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, हाईएस्ट का मतलब जो सबके पास होता है वही बाहर आता है, तो जिसको हम लोग कॉमन लेना कह रहे हैं वो रियलिटी में हम लोग क्या कर रहे हैं, SCF ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, SCF ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, तो मैंने बाहर क्या निकाला, 2। इधर 11 है, ऊपर 11 नहीं है, यहां हमारे पास y है, यहां पर y है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय y इट गिव्स 2y। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर कौन बन गया अपना, 2y बन गया, कौन बन गया अपना, 2y बना। चलो एक एग्जांपल और देखें इसका हम लोग, बहुत सिंपल सा काम है, अभी हमने इतना लंबा चौड़ा लिखा है बट दो चार क्वेश्चन करने के बाद डायरेक्ट शॉर्टकट। क्वेश्चन लिखा मैंने 14 PQ और सेकंड पार्ट लिखा इसका मैंने 28 P² Q²। तो देखो 14 का तो हमें पता है 7 2 14 होते हैं, यानी उसको हमने क्या कर रहे हैं, प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 2 × 7 कर दिया, P का P रह गया और Q का Q रह गया, 28, 2 2 4, 4 7 28, P² इट मींस P मल्टीप्लाई बाय P, Q² इट मींस Q मल्टीप्लाई विद Q, कॉमन पेयर बनाए, तो देखो 2 और 2 दोनों के पास मिल गया मुझे, तो कॉमन फैक्टर CF क्या मिला कि 2 मल्टीप्लाई बाय, दोनों के पास 7 था मल्टीप्लाई विद 7, दोनों के पास P था, दोनों के पास Q भी था, P Q P और Q, 7 2 14, P को Q से किया PQ, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या निकाला हमारे पास में, 14 PQ, क्या निकला अपने पास, 14 PQ। आई बात समझ में। चलो एक एग्जांपल और देखें इसका, अब तक हमने 2 2 नंबर्स देखे हैं, अब नंबर्स लेते हैं यानी एक्सप्रेशन जो है अपने वो नंबर में 3 कर देते हैं। मान ले लिखा मैंने 16x³ - 4x² + 32x। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें 16x³ के लिए, तो 16 के फैक्टर्स क्या होता है कि 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, x³ इट मींस x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। यहां लिखा देखो -4x², तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देखो 2 2 4 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, x² इट मींस x हमारे पास 2 टाइम। नेक्स्ट वन 32x, तो 2 2 2 2 एंड फाइनल 2 मल्टीप्लाई बाय x। अब निकालें इसका कॉमन फैक्टर, तो CF लिख दिया मैंने शॉर्ट में उसको। अब देखो फर्स्ट स्टेप जब इसमें किया था 2 हमारे पास 4 टाइम था, इसमें 2 हमारे पास 2 टाइम है, इसमें 2 हमारे पास 5 टाइम, मिनिमम कितने बार में 2 टाइम्स है, तो 2 मल्टीप्लाई विद 2, क्लियर। x देखो इसके पास 3 टाइम्स है, इसके पास 2 टाइम्स है, इसके पास 1 टाइम है, इट मींस 1 टाइम बार आएगा, तो नो डाउट 2 2 4 और x को मल्टीप्लाई करते 4x, यानी इसका कॉमन फैक्टर क्या बना अपने पास में 4x, क्लियर है बात।
तो यहां तक देखा हमने सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स निकालने, ठीक है। अब करते हैं इसका ग्रुपिंग, यानी अब तक टर्म्स जो थी वो सिंगल सिंगल टर्म थी और मोर देन टू और टू टर्म्स में हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले थे। टू और मोर देन टू टर्म्स में हमने क्या निकाला, कॉमन फैक्टर्स निकाला। अब बात करते हैं इसी को ग्रुप के अकॉर्डिंग, मेथड ऑफ रीग्रुपिंग। यानी रीग्रुपिंग करके हम लोग इसके फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलो देखा माने माने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा मैंने कि 7x-42, सेकंड लिखा मैंने -16z+20z² और थर्ड वन लिखा मैंने 5x²y-15xy², ठीक है। टोटल 3 क्वेश्चंस लिखे हैं। देखो पहले समझो इसको, बात को क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद देखते हैं फिर क्या है। 7 और 42, क्या 7 की टेबल में 7 मिलता है हमें? 100% मिलता है। क्या 7 की टेबल में 42 मिलता है हमें? 100% मिलता है। वहां हमने क्या किया था, इंडिविजुअल नंबर को अलग अलग फैक्टर्स बनाए थे। यहां अगर उसी मेथड से चले तो शायद काफी लंबा टाइम लगेगा और समझ में भी कम आएगा। तो मन मन में कैलकुलेशन कर लेना इंटरनली, शो ऑफ नहीं करना उसको। अगर आपको इंटरनली नहीं करना आ रहा है तो आप रफ वर्क यूज कर सकते हो, 7 के और 42 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेना। मैं जनरली करूं देखो सीधा, 7 की टेबल में 7 मिलता है 100%। 7 की टेबल में 42 आता है क्या? यस आता है, 7, 6 या 42। यानी 7 और 42 दोनों में कॉमन कौन मिला मुझे? 7 मिला। कौन मिल गया? 7 कॉमन। इसके पास x है 7 के पास, क्या 42 के पास x है? हमारे पास वेरिएबल्स नहीं है तो 7 ही कॉमन फैक्टर रहेगा। जब हमने कॉमन निकाल दिया तो कॉमन निकालने के बाद डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। देखो 7 की टेबल में 7 डिवाइड होता है 1 टाइम और x का x रिमेनिंग रहता है, 1 कभी लिखना होता नहीं है। हाँ अगर वेरिएबल पास में है तो मैं ऐसे 1x नहीं लिखूंगा, लिख दिया तो गलत भी नहीं है, बट अगर यहाँ x नहीं है तो मुझे 100% 1 लिखना ही पड़ेगा। अब देखो ये 7 के पहले साइन किसका था? प्लस का। इससे पहले बात हुई थी अभी कि प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा आपने, माइनस का 4x कॉमन क्यों नहीं लिया। यहाँ देखो यहाँ प्लस का था, यहाँ प्लस का था, ये प्लस अंदर माइनस, प्लस माइनस माइनस। 7 की टेबल में 42 आता है 6 टाइम, 1 को मैंने क्या कहा था लिखने की जरूरत नहीं थी, तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि 7x-6, ये बन गया इसका रीग्रुपिंग करने के बाद फैक्टराइजेशन, एक्सप्रेशन कर दिया मैंने इसका। अब देखो स्टार्ट करते हैं इस माइनस से, वैल्यू से पहले कौन है? माइनस, तो पहले तो माइनस को पकड़ लिया बाहर मैंने। 16 और 20 ऐसा कौन सा नंबर है, मैक्सिमम नंबर, जिसकी टेबल में 16 भी आता है 20 भी आता है। तो 4 की टेबल में 4 4 16 और 4 5 20 दोनों मिलते हैं ना। 4 के अलावा और कोई नंबर है 4 से बड़ा जिसकी टेबल में दोनों आते हैं? ये 16 और 20 नहीं आता है ना। तो सबसे पहले कॉमन किसको निकाला मैंने? 4 को, ठीक है। या फिर आप क्या करना, 16 और 20 के फैक्टर्स निकाल देना प्राइम फैक्टर करके, तो भी आंसर उतना ही आएगा। अब देखो फर्स्ट वाले के पास z 1 टाइम, 20 के पास z 2 टाइम, मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर कौन हुआ? z इज टू द पावर 1, मैंने यहां बाहर लिख दिया यहां z, ठीक है। अब देखो साइन का खेल, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 की टेबल में 16 आता है 4 टाइम, z तो गया काम से क्योंकि पहले ही बाहर निकल चुका है। आपने सामान बेच दिया तो आपके पास वो सामान रहा ही नहीं। ये बाहर नेगेटिव साइन, अंदर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव साइन होता है
और 4 की टेबल में 20 मिलता है मुझे 5 टाइम, जेड एक टाइम बाहर आ चुका है, रिमेनिंग रहेगा यही आंसर माइनस 4z ब्रैकेट में 4 माइनस 5z। ये मेथड ऑफ रीग्रुपिंग का है, नहीं ग्रुप बना बना के काम कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं ग्रुप बना रहे हैं। चलो थर्ड की जरा बात करें तो देखो 5 की टेबल में 5 मिलता है, 5 की टेबल में 15 भी मिलता है, तो यहाँ कॉमन कितना मिला मुझे 5। यहाँ देखो x रेज टू दी पावर 2 है, इधर x रेज टू दी पावर 1 है, मिनिमम पावर कौन है x रेज टू दी पावर 1। फर्स्ट के पास y रेज टू दी पावर 1 है, सेकंड के पास y रेज टू दी पावर 2 है, तो 5xy कॉमन हो गया अपना। अब कॉमन के बाद क्या करना था, डिवाइड करना था। चलो 5 की टेबल में 5 मिला 1 टाइम, x रेज टू दी पावर 2 थी, 2 में से 1 सबट्रैक्ट हो गई, रिमेनिंग रही 1, y से y कैंसिल हो गया। यहाँ 5 की टेबल में 5 3 जा 15, x कैंसिल हुआ y बचा शेष, तो आंसर क्या आया 5xy ब्रैकेट में x माइनस 3y। ये थे टोटल 3 क्वेश्चंस। देखो हमने यहां क्या किया कि मैंने माइनस को भी कॉमन निकाला, अगर मैं माइनस को कॉमन नहीं निकालता तो इसका सेकंड आंसर मेरे पास क्या होता, कि मान ली मैंने डायरेक्ट 4z को कॉमन निकाला, ये 4 पॉजिटिव 16 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो माइनस का 4 बचता, ये अंदर प्लस का प्लस रहता, आंसर बन जाता मेरा 5z। तो सेकंड कंडीशन में आंसर क्या आ सकता था मेरा 4z ब्रैकेट में माइनस 4 प्लस 5z, दोनों बाद लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि जब इसको हम लोग रिसोल्व करेंगे यानी जब वापस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आंसर हमारे पास ये ही मिलना है, ये वाला। देखो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 16 z, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस का 16z, ये प्लस ये प्लस, प्लस 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 होता है, 4 5 20, तो 20z। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता तो भी उतना ही होता। देखो 4 को 4 से किया 16, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 5 20, और ये जेड स्क्वायर 20z स्क्वायर। तो दोनों कंडीशंस में आंसर सेम रह रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो ये चल रहा है रीग्रुपिंग का मेथड अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लिया इसका हम लोग एक 10a² - 15b² + 20c² देखो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में हमने 2 टर्म्स के क्वेश्चंस लिए थे, यहां हमने 3 टर्म्स ले ली। यहां देखा हमने, देखो 10, 15 और 20, इस सब में कॉमन कौन मिलेगा हमें, जरा सोचना। सोचने के बाद हमें ऐसा लग रहा है शायद 5 हो सकता है, क्यों, क्योंकि देखो 5 की टेबल में 10 आता है, 5 की टेबल में 15 भी आता है, और 5 की टेबल में 20 भी मिलता है। क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर में कुछ कॉमन निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि तीनों की तीनों टर्म्स कैसी है, अनलाइक है, ठीक है। तो कॉमन क्या लिया हमने, सिर्फ 5। 5 की टेबल में 10 कितने टाइम मिलता है, 5 2 जा 10, तो 2a² ये माइनस का माइनस, क्यों लिख रहे हैं सेम साइन, क्योंकि बाहर फर्स्ट वैल्यू साइन किसका है, पॉजिटिव है, बाहर पॉजिटिव, तो अंदर का कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, अगर बाहर नेगेटिव साइन होगा तो अंदर के सारे साइंस बदल जाएंगे। 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, तो फाइनल आंसर क्या मिला मुझे, 5 ब्रैकेट में 2a² - 3b² + 4c², ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर बनता है। चलो एक क्वेश्चन और देखें इसी टाइप का। मान लिया लिखा मैंने x²yz + xy²z + xyz² इस बार मैंने आपको न्यूमेरिकल वैल्यू यानी इंटीजर वैल्यू कुछ भी नहीं दी, नहीं दी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, नहीं दी तो कुछ भी फर्क पड़ने वाली बात नहीं है,
कंपेयर करें, देखो इसके पास x रेज टू द पावर 2, इसके पास 1, इसके पास 1, तो कॉमन निकालने में छोटी पावर निकाल दें, यानी कौन कॉमन आ जाएगा अपने पास x, सिमिलरली सेकंड कंडीशन में से y और थर्ड में से z, x y z कॉमन ले लिया हमने। अब देखो यहाँ x रेज टू द पावर कितनी थी 2, 2 में से 1 बाहर निकल चुका है, अंदर बचेगा 1 सॉरी यहाँ इसके पास y अंदर बाहर आ चुका है, एक और यहाँ से एक z बाहर आ चुका है, x y z कॉमन फैक्टर्स निकला और ब्रैकेट में रिमेनिंग क्या रहा x प्लस वाई प्लस जेड। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का कुछ। मान ली लिखा मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए, माइनस 4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। देखो इस क्वेश्चन को भी टू टाइप से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में माइनस दे रखा है, चाहो तो आप माइनस को कॉमन ले लो और चाहो तो ना लो, मैं दोनों कंडीशन से करता हूं इसको। देखो अगर मैंने फर्स्ट केस में माइनस को कॉमन लिया तो माइनस 4 सबके पास a है तो a भी बाहर आ गया, ये माइनस प्लस हो गया, यहां रिमेनिंग रह गया a, प्लस माइनस माइनस 4a बाहर आ गया, बच गया मेरे पास b, ये माइनस माइनस प्लस 4a बाहर आ गया, अंदर बच गया c। या तो आंसर मेरा क्या हो सकता है माइनस 4a a माइनस बी माइनस सी ब्रैकेट में, ठीक है, या फिर अगर मैं माइनस का साइन कॉमन नहीं लू केवल 4a को कॉमन लेता हूं अगर, तो यहां बचेगा देखो माइनस का a प्लस का b और माइनस का c। आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों आंसर आपके 100% सही होंगे, दोनों आंसर्स आपके 100% सही है। तो यहां तक हमने क्या देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स निकालना, फिर रीग्रुपिंग की, रीग्रुपिंग में टू नंबर्स की रीग्रुपिंग और थ्री नंबर्स की रीग्रुपिंग।